सो हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट लतीफ। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल इन दिस लॉकडाउन। सो आज का बेसिकली व्लॉग होने वाला है वे टू बैकुंठपुर। गाइस आज काफी घुमाई होगा, यहाँ से हम सीधे बाइक से जाएंगे बैकुंठपुर। आपको सीधे ले चलता हूँ बैकुंठपुर और वहाँ मिलकर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। सो हे व्यूअर्स, हम घर से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में बैकुंठपुर पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस आधे रास्ते पहुँच चुके हैं बैकुंठपुर, जैसा कि आप नज़ारे को देख सकते हैं, हरा भरा इलाका है गाइस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आगे के नज़ारे को देखने के लिए बने रहे, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को आगे जाके, लेट्स गो। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्राणी को कुछ जैसा दिख रहा है और ये बैठ के कुछ तन्हाई में कुछ तो कर रहा है। सोच रहे कब पहुंचे हम रंगैया, कब पहुंचे हम उस जगह जब हम वेस्ट विहार को देखेंगे अपनी आंखों से। सो बने रहे वीडियो में और वीडियो को व्लॉग करते हैं वहीं जाके। गाइज हम तीन जा रहे हैं रमदैया घूमने, और घूमने जाने के बाद घर जाएंगे तुरंत, क्योंकि कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं, कुछ खरीदना नहीं है, पर प्लान बीच में अगर डगमगा गया तो ये कुछ खरीदेगा अपने लिए, कपड़े खरीद सकता है। तो व्लॉग पे बने रहे और कंटिन्यू करते हैं जाके स्टोर के पास। A few moments later, और अभी है फिलहाल हम ATM में, ATM में पैसा निकालने गया है दोस्त, नहीं पता क्या खर्चा करेगा आज। उसके जस्ट ऊपर है जिम और पीछे पेट्रोल टंकी। Months later, गाइस अभी हम अशोक के साथ वेस्ट वियर में झुमका से सटा हुआ है आ गए हैं अभी पानी वाले इलाके पे। सो गाइस ये नज़ारा आपको कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये इलाका काफ़ी सूखा है क्योंकि अभी पानी की कमी है, जब बरसात का मौसम आएगा या फिर जब पानी भर जाएगा तब मैं आके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इस जगह की खूबसूरती क्या है। गाइस हम रमदैया में आ चुके हैं, चलिए आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये रमदैया का एंट्रेंस, शनिदेव जी का मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर, अब आपको ले चलता हूँ काली माता के पास। काली माता घंटी बजा लेते हैं एक बार। गाइस जो ये रमदैया मंदिर है वो काफ़ी पुराना है और हर शनिवार को यहाँ बड़ी पूजा होती है, तो यहाँ लोगों का जमा होना काफ़ी लाजमी है और काफ़ी भीड़ होता है। तो अगर आप बैकुंठपुर आते हैं तो यहाँ ज़रूर आए सैटरडे को। कैसी है झुमका बांध, मछली पॉइंट, अभी मैं हूँ मछली पॉइंट पे झुमका बांध पे। ये रहा यहाँ का नज़ारा, अब हम जाएंगे सीधे बैकुंठपुर के मेन चौक पे, मेन चौक के पास कुछ खाने के बाद कैफेटेरिया में आपको वहाँ का फुटेज दिखाऊंगा, उसके बाद हम सीधा जाएंगे घर। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस हमने पैटीज मंगाया है, अभी हम खाएंगे पैटीज, लेट मी शो यू। गाइस अब कैफे से हम लौट रहे हैं बच्चा के साथ, मत दिखाओ यार, जय जोहार। तो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से घर, मुन्ने महाराज बच्चा चला भैया। गाइस अब घर की ओर निकल रहे हैं,
क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अभी 5 बजे फिर से आना है यहाँ, तो स्टे थ्री और कंटिन्यू कहाँ है वो गाइस। ये है रात का सफर, आज ही के दिन में आया था यहाँ। भांजा श्री अपना दवाई ले रहे हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं है, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे कुमार मेडिकल। अपना चेहरा भांजा श्री फिर से दवाई लेने आया है भांजा मेरा, ये कुमार मेडिकल। हाय गाइस, मेडिकल स्टोर। यहाँ जो दवाई चाहिए आपको मिल जाएगा, ये सबसे मशहूर दुकान है बैकुंठपुर का, कुमार मेडिकल। सो गाइस, अभी आ चुके हैं हम नगर पालिका परिसर बैकुंठपुर जिला कॉलेज छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्माण चिल्ड्रन गार्डन में। नाइट व्लॉग बेबी गाइस, अभी हम लोग मिडिल पॉइंट पे इस पार्क के, यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप। कभी आप बैकुंठपुर आते हैं और रात में ठहरते हैं तो यहाँ जरूर। तो गाइज अभी हम लोग हैं चपाती में जो बैकुंठपुर है, सिंपली अभी वेट कर रहे हैं एग रोल का। तो इनका एग रोल आ चुका है, मेरे में टाइम है अभी। ऑर्डर करो। तो हम सीधे अब निकलते हैं, कहाँ जाएंगे फिर? कुछ मीठा खाना, तो वहाँ जाके दिखाता हूँ। लेट्स गो। बेकरी से आ चुके हैं हम और फिलहाल तो अभी यहाँ हैं डिवाइडर के पास, तो अभी हम लोग दो पेस्ट्री लिए थे, अब पेस्ट्री खाएंगे दोनों जन। उसका फुटेज दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो ये गाइस घर पे पहुंच चुके हैं और टाइम आ गया वीडियो के एंड करने के लिए। अगर आपको सो गाइस घर पे पहुंच चुके हैं और काफी मजा आया आज के व्लॉग में। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें और आगे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लेट लतीफ को। स्टे ट्यून्ड।